हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बनाएंगे चाउमीन। ये चाइनीज डिश है, इसे बनाना बहुत आसान है। बस घर में सब्जियां तो होता ही है, चाउमीन होना चाहिए, बस फटाफट से बन जाता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने चाउ लिया है, ये महीन चाउ है, छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और ये सब्जियां हैं हरा शिमला मिर्च, गाजर, येलो शिमला मिर्च, और ये ग्रीन चिली, प्याज, इसे मैंने काट लिया है। विनीगर है, ये सोया सॉस है, एक चम्मच एक चम्मच। टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। तो चाउ बनाने के लिए हमने एक पैन में पानी डाल दिया है, पानी में उबाल आ चुका है। इस समय हम थोड़ा इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे और अपने चाउ ये डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, एक उबाल आने तक चेक कर लेना है, 70% पकाना है। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। नमक इसलिए डाले ताकि इसे अंदर तक नमक चला जाए। देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है, इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा कड़ा ही रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। खिला खिला हमारा चाउ बनेगा। हमारा चाउ पक चुका है, अब इसे हम चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। अब इसे हमें छान लेना है और इसे ठंडा पानी, थोड़ा ठंडा पानी से धो लेना है। और इस समय एक चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा चाउ चिपके नहीं। तो चलिए अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। एक पैन लिया है, इसमें हम एक चम्मच तेल डाला है। अब इसमें हम अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे, इसे हल्का सा सौते करेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, अब अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल देंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे क्यूब में छोटा छोटा काट लें। इसे हल्का भूनेंगे ताकि इसका स्मेल निकल जाए। चूल्हे के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, इसे हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। एक से 1.5 मिनट हमने अपना अदरक लहसुन को भून लिया, अब इसमें गाजर डाल देंगे, इसे भी 1-1.5 मिनट के लिए पकाना है। गाजर थोड़ा पकने में टाइम लगता है, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा कलर चेंज करना है क्योंकि चाउमीन में थोड़ा सब्जी हल्का पका हुआ रहता है तो खाने में अच्छा लगता है, क्रंची। अब इसमें हम येलो शिमला मिर्च डाल देंगे, ये ग्रीन, इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें विनेगर डाल देंगे, सिरका भी चला गया, ये टमाटर कटे, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। नमक इसमें ध्यान से डालें क्योंकि सिरका सॉस ये सब में नमक रहता है, तो नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। हमने अपने चाउमीन को भी बॉईल करते समय नमक डाला है। अब इसमें हम अपने चाउ को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस
देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। चूल्हे के फ्लेम को हाई रखें ताकि ये अच्छे से मिल जाए और सारे मसाले मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी नहीं यूज़ की हूँ क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। देखा आपने कितने झटपट से हमारा चाउमीन रेडी हो चुका है। तो इसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में शाम के नाश्ते में आसानी से बना के झटपट से दे सकते हैं, ये कम टाइम में बन जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप देख सकते हैं कितना यमी अच्छा सा बना है हमारा चाउमीन। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय, थैंक यू।